इस समय हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का जनपद फरुखाबाद है। आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक सेतु निगम बन रहा है और यहाँ की स्थिति आप देखिए कितनी लापरवाही है। अभी गुजरात में एक हादसा हुआ है, मोरबी का सड़क पुल टूटा है और यहाँ देखिए ये बस जो है निकल रही है। जरा कैमरामैन जी दिखाएंगे, पुल यहाँ निकलने की ये व्यवस्था की गई है। देखिए इसमें ये पूरी तरीके से ये लग रही है, अगर कोई भी यहाँ पे हादसा हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। कैमरामैन जी जरा इधर से दिखाए, कितना मुश्किल से ये बस निकल पा रही है, इसका जरा नंबर नोट कीजिए, इस बस का नंबर दिखाइए। ये जो बस यहाँ पे ये निकाल रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर हालात बनाए गए हैं कि जो पूरा जो पुल है, ब्रिज है, इस पे टिका हुआ है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिल रही है। और इधर से ये रेलवे का जो रूट है आप देख सकते हैं, फाटक है इधर रेलवे का और इधर से इन्होंने आवागमन शुरू करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम लापरवाही दिखा रहे हैं, ऊपर ये काम चल रहा है, ऊपर देखिए जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी के भी पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है, किसी के भी पास हेलमेट नहीं है। अगर कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। योगी जी, आप तस्वीरों के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। हम यहाँ के ठेकेदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पे पुल बन रहा है सेतु निगम वाला, कैमरामैन जी जरा इधर आएंगे, हम और दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये सामने आप देखिए, ये सुगोल्लापुर रेलवे स्टेशन है, सुगोल्लापुर ब्रिज के ऊपर ये जो है बन रहा है पुल बन रहा है। हम आपको और तस्वीरें दिखाने की पर रेलवे का फाटक है इधर, ये कानपुर से कासगंज का रूट है, इस पे ट्रेनें निकलती हैं और रेलवे ब्रिज की तरफ से इतनी लापरवाही की गई है कि ऊपर सबसे बड़ी बात है, देखिए ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जितने भी काम कर रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ कोई इंजीनियर नहीं है, बिना इंजीनियर की देखरेख में ये सब काम चल रहा है और किसी के भी पास ना तो कोई सेफ्टी बेल्ट है ना हेलमेट है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, सामने भी ये पुल बना हुआ है, देखिए उस पर भी लोग काम कर रहे हैं, किसी के भी पास कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो यहाँ कौन जिम्मेदार होगा। एक बस भी निकल रही है, आप देखिए एक बस फंसी हुई है, सामने से एक बस फंसी हुई है और अगर ये बस इस कंस्ट्रक्शन में लग जाती है और ये पुल गिर जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। देखिए ये बस सामने फंसी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं यहाँ पास आके दिखाता हूँ, कैमरामैन जी जरा आइए हमारे पास आइए, ये देखिए ये ब्रिज वालों की तरफ से ये व्यवस्था की गई है, इधर से निकलने की व्यवस्था की गई है। देखिए ये बस कहां से निकलेगी, पूरी तरीके से फंस चुकी है। ऊपर देखिए अगर इसका एक कॉर्नर भी अगर इस ब्रिज में लग जाता है तो आप यकीन मानिए कितना बड़ा रेलवे हादसा होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा। और हम यहाँ के ठेकेदार से बात करने की कोशिश करेंगे, आते हैं हम आपको लेके चलते हैं। ये जो मार्ग है ये छोटे वाहनों के लिए खोला गया था लेकिन यहाँ आपको हम और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के हम ठेकेदार महोदय से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये ऊपर काम चल रहा है, बाकायदा सब कुछ काम चल रहा है यहाँ, देखिए जाम जैसी स्थिति बन गई है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ना निकलने की कोई व्यवस्था बनाई है लोगों ने, ना सड़क के ऊपर किसी भी प्रकार की बजरी डाली है, ना बस चालू काम कर दिया है, कोई भी हादसा हो जाता है इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और दिखाएंगे हम आपको, इस समय हम यहाँ जो ये उस रेलवे का सेतु है इसको देख रहे हैं। भाई साहब आप कौन है यहाँ पर? गार्ड। आप गार्ड हैं, यहाँ कौन इंजीनियर है? इंजीनियर की तो मेरे पास। आप एक मिनट हमारे साथ आएंगे प्लीज, आइए आप भाई साहब एक मिनट आइए, आप यहाँ पे गार्ड हैं, आइए आइए आइए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये गार्ड भाई साहब हैं और इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये जो लोग काम कर रहे हैं ऊपर, किसी के भी पास कोई भी सीट बेल्ट ना तो कोई बेल्ट है ना हेलमेट है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार वो इंजीनियर होगा। और कौन इंजीनियर यहाँ पर कोई है? अभी कोई नहीं है, बिना इंजीनियर की देख रेख में ये सब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई नहीं है अभी। आप देख, क्या नाम है आपका भाई साहब? वीरपाल सिंह। आप देखिए बहुत 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 धन्यवाद भैया आपका, आप यहाँ पर देखिए वीरपाल सिंह जी है, ये यहाँ पर गार्ड का काम, गार्ड है यहाँ पर, ये देख रेख का काम करते हैं यहाँ पूरी कंस्ट्रक्शन का। और ये खुद बता रहे हैं यहाँ पे कोई भी इंजीनियर नहीं है, बिना इंजीनियर की देख रेख में ये पुल बन रहा है। अब आप बताइए
कि अगर जब बिना इंजीनियर की देखरेख में ये पुल बनेगा तो हादसा होगा या नहीं होगा। योगी जी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी घोर लापरवाही बरती जा रही है उत्तर प्रदेश में। इस समय हम फर्रुखाबाद जनपद में हैं उत्तर प्रदेश के, और ये सुकरुल्लापुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ का ये रेलवे ब्रिज है जो कि बन रहा है, और 3 महीने का यहाँ समय दिया गया था, और 3 महीने से भी ऊपर का समय हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्ग पूरा बंद कर दिया गया था, रेलवे के फाटक लगा दिए गए थे, लेकिन जनता को काफी असुविधा हो रही थी, इसलिए 3 महीने बाद यह मार्ग खोला गया है। और आप देखिए रेलवे सेतु की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये जो सड़क बनाई गई है, ये इसमें कोई सड़क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हादसे क्यों होते हैं, इसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, वो खेद प्रकट करेंगे। इसकी नौबत आनी ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो निचले स्तर के जो भ्रष्ट इंजीनियर है वो इस तरीके की अनदेखी करते हैं कि जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है। हम आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ के गेटमैन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुकरुल्लापुर में है, यहाँ हम गेटमैन जी से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए, ये यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है, ये कासगंज से कानपुर का मार्ग है, और यहाँ पर ये जो है सेतु का निर्माण कार्य हो रहा है, क्या कोई परमिशन दी गई थी यहाँ पर? जिस तरीके से यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसको मेरे को पता नहीं, मेरा ड्यूटी है गेट खोलने की और बंद करने की, इसको मेरे को पता नहीं कौन क्या परमिशन देता नहीं देता। नहीं, अगर आपकी आपके पास से कोई परमिशन आया था इस तरीके का? कोई परमिशन मेरे पास, मेरी ड्यूटी के दौरान मेरे गेट खोलने का बंद करने का आदेश है, गाड़ी आती है जब। क्या नाम है आपका? राम किशन मीणा। आप देख लीजिए हमारे साथ राम किशन मीणा जी हैं, ये यहाँ सुकरुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर गेटमैन है, और ये खुद बता रहे हैं कि हमारे पास केवल गेट खोलने का आदेश था, बाकी यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार के छोटे से लेकर बड़े वाहन भी निकल रहे हैं। और ये जो ब्रिज है और इस पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और इसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन का भार जिस पर रखा हुआ है, इसके बिल्कुल सटा के वाहन निकलते हैं, और कोई भी वाहन अगर इसमें शटरिंग में लग जाए, ये देखिए, ये आप देखिए, ये शटरिंग है और इसके पास से ही ये सब वाहन निकलते हैं, चाहे छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, इनकी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। और सबसे बड़ी घोर लापरवाही हम आपको दिखा रहे हैं जो कि दुर्घटना को दावत देता है। सबसे बड़ी दुर्घटना का दावत तो यही, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए एक पतली सी संकरी सी जगह है, इसी से चाहे बस हो या छोटी गाड़ी हो, सब इसी से निकलते हैं, और इसके बराबर में ही ये जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये गटरिंग लगी हुई है, और इस गटर से ही अभी एक बस फंस गई थी जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा। इसी तरीके से अगर बाई चांस भगवान ना करे अगर ये इसमें ज्यादा कोई अड़ जाए तो कितना बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। आगे हम एक और तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आइए हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से सभी लोग चले गए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, कैमरा की नजर पड़ते ही सभी लोग यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि सबको डर है कि हम गलत कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, एक बहुत बड़ी तस्वीर जो कि हादसे को दावत देती है, हादसे को दावत देने वाली एक हम और तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर है ये, आप देखिए दुर्घटना क्यों ना हो, ये जो यहाँ पर एक गाटर लगाया गया है ये नीचे से खोखला है, अगर इससे कोई वाहन निकलेगा तो क्या हाल होगा, ऊपर वाहन वाले को कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे से देखिए आप, ये नीचे से पूरा गाटर जो है खोखला कर दिया गया है, अगर इससे कोई भी वाहन निकलेगा तो कितना बड़ा हादसा होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी जो है इंजीनियर नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, बिना इन सबकी देखरेख में ये सब काम चल रहा है, तो जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इस खबर पर बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।